गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ पत्र लेखन करेंगे। बेटे मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि पत्र लिख क्या होता है। पत्र को लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप ध्यान पूर्वक सुनना बेटा। पत्र का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों का प्रभाव को आदान प्रदान करने में समर्थ होते हैं। पत्र लिखना एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब बेटे पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे तो ही हम पत्र लिख सकते हैं। पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र लिखते समय स्वच्छ एवं शुद्ध लिखावट का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। बेटे अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा हमने कहाँ रुकना है, कहाँ से आगे बढ़ना है। तो इसलिए पत्र लिखते समय उचित विराम चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए। पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए, अनावश्यक मतलब जो जरूरी नहीं है उन बातों को का विस्तार कभी नहीं करना चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिभावक का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, स्थान और पत्र लिखने के दिनांक जो हम तिथि को कहते हैं को साफ साफ लिखना चाहिए। पत्र में पत्र पाने वाले का नाम व पूरा पता स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अगर बेटे नाम और पता होगा तभी हमारा पत्र उस मनुष्य तक पहुंच पाएगा। अब पत्र के प्रकार, पत्र के चार प्रकार होते हैं बेटे। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा निजी पत्र, तीसरा व्यवसायिक पत्र, चौथा कार्यालय पत्र। अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रार्थना पत्र में क्या होता है। प्रार्थना पत्र जो पत्र प्राय अधिकारियों को लिखे जाते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र को आवेदन पत्र भी कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, नौकरी के लिए पत्र आदि। अब दूसरा आता है निजी पत्र, जो पत्र अपने विचार परिवार के लोगों अथवा अन्य संबंधियों को लिखे जाते हैं निजी पत्र कहलाते हैं, जैसे किसी मित्र को पत्र आदि। चौथा है, तीसरा है व्यवसायिक पत्र, जो पत्र व्यवसाय से संबंधित होते हैं व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं, जैसे किसी व्यापारी से सामान मंगवाने का पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र आदि। अब चौथा है बेटा कार्यालय पत्र, जो किसी एक विभाग अथवा अधिकारी द्वारा किसी दूसरे विभाग या व्यक्ति को लिखे जाते हैं कार्यालय पत्र कहते हैं, जैसे डाकपाल को पत्र, परिवहन निगम अधिकारी को पत्र। आशा करते हुए तुम्हें समझ आ गया होगा बेटा। अब इसको ध्यान पूर्वक समझना, फिर तुम्हें पत्र लिखने में आसानी रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।